हेलो गाइज, ट्रेंडिंग ट्रेंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पहला सीरीज करेंगे। देखते हैं पहला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन क्या है? वो क्या है? स्टेपिस, जो हमारे ईयर पे होता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा? फीमर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फीमर कहाँ पे है? ये हमारा थाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बोन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कहाँ पे है? थाई पे है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोन टिबिया इज टू बी फाउंड। टिबिया बोन कहाँ पे फाउंड किया जाता है? कहाँ पे? लेग पे। टिबिया फिबुला भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका विटामिन क्या चाहिए? विटामिन के इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द लार्वा ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड एज। फ्रॉग के लार्वा को, लार्वा स्टेज को क्या कहते हैं? टार्टपोल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड क्या है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच हमारा लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, द ओनली स्नेक व्हिच फॉर्म्स द नेस्ट। ये एकमात्र स्नेक है जो कि नेस्ट बनाता है, वो क्या है? किंग कोबरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी व्हिच इज अबाउट। 1 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट पे कितने एनर्जी मिलेगा? 4.2 किलो कैलोरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 4.2 किलो कैलोरी। इधर रखो, नेक्स्ट देखो, मैन हैज डैश पेयर्स ऑफ सालिवरी ग्लैंड्स। कितने होता है? 3 पेयर्स का होता है। इसका मतलब क्या है? 6। इधर रखो, पेयर पे पूछा तो 3, नंबर पे पूछा तो 6। नेक्स्ट देखते हैं, डैश सेल हेल्प्स इन स्टोरिंग वाटर एंड फूड मटेरियल्स। क्या है इसका आंसर? पैरेन्काइमा सेल है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट देखते हैं, डैश ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। द प्लांट सेल्स आर सराउंडेड रिजिडली बाय सेल वॉल। सेल वॉल से ये सराउंड होता है प्लांट सेल का, जो कि हमारा ह्यूमन में नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट पार्ट क्या लगता है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमारा लीफ में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्लांट्स इज 20। ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय। पोलियो वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था? जोनास सक ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है? लिवर। लिवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी। हमारे एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने ब्लड होता है? 5 से लेकर 6 लीटर तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेम द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट नेवर रेस्ट। ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट कभी भी रेस्ट नहीं लेते, क्या क्या है? हार्ट और किडनी। ये जब आपका क्लोज हो जाएगा आप क्या हो जाएगा, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी सेट्स ऑफ रिब्स यूजुअली आर देयर विथ ह्यूमन बींग। कितने आपका रिब होता है, सेट्स का रिब होता है, 12 सेट्स का रिब होता है। इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पानक्रियाज सीक्रेट्स, पानक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? स्किन। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं, हमारे कितने होते हैं? 640 मसल्स होते हैं। देखो विटामिन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनल होता है। इसी तरह विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है? थायामिन होता है। ये याद रख लो। और विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये आप याद रख लो सबके केमिकल नेम। और विटामिन डी का केमिकल के नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इतना आप याद रखो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।